विकास हुआ ना, हुआ है, रोड बना, हॉस्पिटल बना, लोग पैदल आया 1500 किलोमीटर, ये सब विकास नहीं हुआ? 1500 किलोमीटर पैदल हुआ, विकास विकास जी। ट्रक पर चढ़ के आया, बच्चा को काख में लटका के आया, आग से देखे साइकिल से आया दिल्ली से, इससे बड़ा विकास क्या होगा? पिपरा की बात हो और खाजा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पिपरा का खाजा काफ़ी नामी है, जैसे बिहार की राजनीति बहुत नामी है, क्योंकि बिहार में जो समीकरण है न जनता को यकीन हो रहा है कि किसकी बनेगी सरकार और कौन होंगे कुर्सी के हकदार। हम यहाँ पे कुछ आम जनता से, पिपरा विधानसभा है सुपौल जिला का, यहाँ पे जानेंगे आम जनता से कि कौन होंगे कुर्सी के हकदार और किसकी बनेगी सरकार और कौन होंगे मुख्यमंत्री बिहार का। तो जानेंगे कुछ लोगों से, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार यादव। दिनेश यादव जी, ये बताए कि 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बीते 15 साल लालू यादव थे, इन दोनों में कौन सा काल अच्छा है, 15 साल किनका अच्छा है? ये नीतीश जी की जो अभी 15 साल जो गुजरी है, ये तो अपना काम काज तो देख नहीं रहे हैं, ये बीती हुए काम काज जो दूसरे का जो है, जहां आम जनता का जो है भटका रहा है कि पीछे लालू जी की सरकार जो 15 साल था उधर दौड़ा रहा है, ये अपना जो 15 साल जो बीता है ये चीज़ नहीं दिखा रहा है कि हम क्या किए, ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। अच्छा, ये बताए कि नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री के हकदार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे या तेजस्वी यादव? इस बार जो है पूरा जनता, आम जनता एकदम कह रहा है कि जो है सरकार जो है बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी जी की सरकार होना चाहिए और रोजगार की बात होना चाहिए, नीतीश जी बोल रहे थे। तेजस्वी यादव के कौन उम्मीदवार है, लालटेन छाप किसकी है, राजद के उम्मीदवार कौन है? यहाँ पिपरा विधानसभा से श्री विष्णुमोहन मंडल जी को जो है टिकट मिले हैं और भारी से भारी मतों में इसका विजय घोषित है। अभी कहते हैं वर्तमान में भी राजद के ही विधायक थे, तो उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने भी विकास किया, जो सरकार तो उसकी थी नहीं, सरकार तो नीतीश जी की थी, तो वो विपक्षीय पार्टी को काम करने के लिए तो देता नहीं था, वो तो गुमराह कर रहा था, इसीलिए सरकार। इनका कहना है नीतीश कुमार गुमराह कर रहे थे, इसीलिए पिपरा का विकास नहीं हो पाया, यदुवंश जी विकास नहीं किए जो राजद के विधायक थे। विकास किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव यादव। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? और बदलाव होगा इस बार, बदलाव होगा। क्या नाम हुआ आपका? ताराचंद्र यादव जी। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे अब की बार? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेजस्वी ही बनेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? राम कुमार जी, ये बताए कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ये बात कर रहा हूँ। आइए इधर आइए, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? नीतीश जी। नीतीश कुमार, आपको लगता है 15 सालों में उन्होंने विकास किया है? पिछले पति पत्नी के राज से तो अच्छा चला नीतीश जी का शासनकाल, हम लोग मोदी जी के साथ चल रहे हैं, मोदी जी के राह पे हम लोग वोट करेंगे नीतीश जी को। और क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, किसकी सरकार, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? हम लोग 15 साल से त्रस्त होते हुए हम लोग बदलाव की राह पे चले हुए हैं और इस बार हम लोगों के बैच से हम आते हैं और 15 साल वैसे समाज से, वैश समाज से आते हैं और जिला के महासचिव भी हम हैं और हम लोगों के इस बार बदलाव की ओर चले हुए हैं, तेजस्वी की तेज रफ्तार, तेजस्वी की सरकार हम लोग। चलिए, इनका कहना है तेज रफ्तार, तेजस्वी की सरकार। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिद आलम। साहिद आलम जी, किसकी सरकार इस बार? तेजस्वी की होनी चाहिए। नवयुवक की जो है अभी संख्या ज्यादा, इस वजह से नवयुवकी की सरकार रहनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसकी सरकार, नीतीश कुमार ठीक है या तेजस्वी को होना चाहिए सीएम? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार, चलिए, क्या विकास किए हैं नीतीश कुमार? जी किए हैं। रोड की हालत है, दुर्दशा खराब है रोड, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार नीतीश कुमार जिम्मेदार है, तो फिर आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने चाहिए? नहीं। चाचा, इस बार विकास हुआ है 15 सालों में? विकास हुआ ना, हुआ है, रोड बना, हॉस्पिटल बना, लोग पैदल आया 1500 किलोमीटर, ये सब विकास नहीं हुआ? 1500 किलोमीटर पैदल हुआ, विकास विकास जी। ट्रक पर चढ़ के आया, बच्चा को काख में लटका के आया, आग से देखे साइकिल से आया दिल्ली से, इससे बड़ा विकास क्या होगा? ये विकास है, वही विकास हुआ। अब बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इस बार नया युवक को हम लोग लाना चाह रहे हैं,
जो काम करेगा नहीं करेगा तू भी जाएगा अगला। नया युवक चिराग पासवान भी है, तेजस्वी यादव भी है, चिराग पासवान पप्पू यादव भी युवक ही मान रहे हैं अपने आप को, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बचेगा कौन? जो उस लायक है वही ना बनेगा। कौन लायक है? अभी तो हम लोग नया युवक को देख रहे, नवमी फैल है वो बिहार कैसे माने? अरे नवमी फैल है ये कहता है, विपक्ष कहती है, सरकार कहती है, नीतीश कुमार कहते हैं, मोदी कहते हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि नवमी फैल। जो जो मान के चलिए मूर्ख था, जो मूर्ख है वो अपना संपत्ति कैसे चला रहा है, अपना एक अपना संपत्ति कैसे चला रहा है, मूर्ख कैसे? उस बिहार का अनुभव है, उसका बाप काम किया है, उसके पीछे था, बस वो भी 19 महीना रह के मुख्यमंत्री देखा है, उस टाइम हम उसको इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान हो गया है। नौवीं फैल को पहले खारिज आप कर दीजिए, इसलिए के कि नीतीश कुमार के साथ जब सरकार बनी हुई थी तो नीतीश कुमार ने ही डिप्टी सीएम बनाए हुए थे तेजस्वी यादव को। आप इस चीज को खारिज कर दीजिए, आप दल बदल करते रहेंगे, आप कभी मूर्ख कह दीजिए। सरकार ये भी हमला करती है, नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि जब बाप ने घोटाला किया तो बेटा सत्ता में आएंगे, तेजस्वी आएंगे तो वो भी डबल घोटाला करेंगे। सब घोटाला कौन नहीं किया है? जगन्नाथ मिश्र से लेके देखिए, जगन्नाथ ये बताए कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी ही क्यों? युवा है, क्यों युवा है, युवा को रोजगार देगा, इसलिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। ये थोड़ी है बिहार का दारू बंद करके नेपाल से खोल करके 25 रुपए का दारू 100 रुपए में बेचना है। कहते हैं नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना बिहार में बाहर ला दिए, विकास विकास में सांप ढुका करके बाहर ला दिए, पाइप में सांप ढुका करके नीतीश कुमार ने बाहर ला दिए। पानी नहीं आती पाइप, पानी कहाँ आती है? अंदर में गड्ढा खुन दिया, गड्ढा में दारू का बोतल है तो पानी के लिए थोड़ी खुना है, वो दारू के बोतल के लिए खुना है। ये कहते हैं कि जब 15 साल लालू यादव थे तो जंगल राज थी, अब मंगल राज है। हाँ, उससे ज्यादा जंगल राज हो गया। लालू जी के सरकार में 3 गो मर्डर होता था और नीतीश कुमार के सरकार में दिने में 6 ठो होता। कौन जीत रहा है बिहार, किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स, सबसे पहले।